नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन 5 समन भेजने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। आज भी उन्होंने ईडी के सामने पूछताछ के लिए मौजूद रहने के बजाय प्रदर्शन में रहना ज्यादा मुनासिब समझा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है कि ईडी के समन की अनदेखी कर केजरीवाल क्या संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। इसका मतलब साफ है कि वो ईडी के एक्शन का जवाब सियासत से देना चाह रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी के समन को रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया है। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन जारी करते हुए शुक्रवार को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल ने पिछले 4 बार की तरह इस बार भी एजेंसी के सामने पेश होना मुनासिब नहीं समझा। ईडी ने जो समन भेजे हैं, ईडी ने जो हेमंत सोरेन पे कार्रवाई की है, उस बीच अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजा जाना, दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एजेंसियों पर प्रहार कर रही है कि विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी दिल्ली में शराब घोटाले की जाँच कर रही है और इसी संबंध में वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले वो अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होने के लिए 4 बार पहले भी समन जारी कर चुकी है, लेकिन अलग अलग वजहों का हवाला देकर वो ईडी के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। सबसे पहले उनको पिछले साल 2 नवंबर को समन भेजा गया। केजरीवाल पेशी पर नहीं पहुंचे। दलील दी गई कि वो 3 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर व्यस्त हैं। इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें दूसरी बार 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा, लेकिन विपश्यना में जाने की बात कहकर वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। तीसरी बार उन्हें 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी ठहराते हुए एक बार फिर से ईडी के बुलावे को ना कह दी। चौथा समन उनको 18 जनवरी को जारी किया गया था, लेकिन पिछले समन पर भी उन्होंने ईडी पर साजिश रचने का आरोप लगाए हैं और पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। आज 5वें समन पर भी केजरीवाल गैर हाजिर रहे। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट के खड़े हैं, उनको झुकाने का ये तरीका है। सो मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब संघर्ष से निकले हुए लीडर हैं, उनको इस तरह की जो धमकियां हैं वो डरा नहीं सकती। और आज पूरी आम आदमी पार्टी है जो केजरीवाल साहब के साथ खड़ी है। केजरीवाल दिल्ली में रहते हुए भी भले ही ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन आज वो बीजेपी के खिलाफ होने वाले आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया है ना, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई, आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे? हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी, जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। केजरीवाल के कट्टर ईमानदार पार्टी के दावों के बीच ईडी के समन को बार बार ठुकराने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमलावर है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई, और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है? क्या ये कोई भी व्यक्ति जो कानून को मानने से किसी को भड़काता हो वो समाज का हितैषी हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज एक बार फिर से वो ईडी के समन को ठुकरा दिए हैं, तो कानून को ना मानने वाला, समाज को संदेश देने वाला,
हमारे दिल्ली के बच्चों को क्या संदेश जा रहा है। शराब घोटाले के केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। और जिस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल ईडी के समन की अवहेलना कर रहे हैं, उससे ईडी के सख्त एक्शन लेने की संभावना को बल मिला है। लेकिन ईडी एक्शन की संभावनाओं के बीच केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होने के अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और उसका जवाब सियासी हथियार से बीजेपी पर वार कर देने को तैयार है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। हेमंत की तरह केजरीवाल भी समन को गंभीरता से नहीं ले रहे। हेमंत ने ईडी के 10 समन की अनदेखी की तो केजरीवाल अभी तक 5 समनों को इग्नोर कर चुके हैं। ऐसे में ईडी उनके खिलाफ कभी भी सख्त एक्शन ले सकती है। तो इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि ईडी के समन के से खिलवाड़ क्या केजरीवाल को महंगा पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के समन की अनदेखी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन की तरह ही केजरीवाल पर भी ईडी का समन भारी पड़ेगा। हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपने सियासी गुणाभाग के तहत ईडी को समय ना दे रहे हो पूछताछ का, लेकिन आने वाले समय में ईडी उनके खिलाफ सख्ती कर सकती है और ऐसे में जब गिरफ्तारी हुई तो मुमकिन है कि कोर्ट में भी राहत की गुंजाइश कम हो। लेकिन साथ ही एक बात यह भी है कि कानूनी दांवपेच को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल ने लगातार ईडी को जवाब भी दिया है और ईडी से यह पूछा भी है कि आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें किस हैसियत से बुला रही है। करीब 40 घंटे तक झारखंड में चली खींचतान के बाद आखिरकार आज दोपहर में नई सरकार का गठन हो गया। चंपई सोरेन ने 2 मंत्रियों के साथ आज शपथ ले ली, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अभी तक पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, चंपई सोरेन की शपथ के साथ क्या सुलझ गया झारखंड का सियासी संकट? ऊपर से ये भले दिख रहा हो लेकिन सत्ताधारी गठबंधन खुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए हैदराबाद भेज दिया है। झारखंड में करीब 40 घंटों तक अनिश्चितता की स्थिति रहने के बाद आज दोपहर में चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार अस्तित्व में आ गई। कल देर रात राजभवन से सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद आज दोपहर 12:30 बजे गठबंधन के नेता चुने गए। चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद गुप्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अब चंपई सरकार को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है यहाँ का आदिवासी यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है। चंपई के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई के परिवार में खुशी का माहौल है। यह है दादा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नई सरकार के गठन के बाद रांची के प्रोजेक्ट भवन में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में चंपई सरकार विश्वास मत प्राप्त कर सकती है। झारखंड विधानसभा के गणित के मुताबिक जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1, सीपीआईएमएल के पास 1, यानी कुल 48 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बीजेपी के पास 26, एजेएसयू के पास 3 और अन्य के पास 3 सीटें हैं, यानी कुल 32 सीटें। आंकड़ों के हिसाब से
जेएमएम गठबंधन के पास 41 के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा संख्या में विधायक हैं। गठबंधन की तरफ से भी 43 विधायकों के समर्थन वाले वीडियो को जारी किया गया, लेकिन इसके बाद भी गठबंधन अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लिहाजा उन्होंने किसी भी तरह के किंतु परंतु से बचने के लिए अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। कम से कम एक स्तर पर एक लड़ाई तो वो जीत चुके हैं, अब दूसरी लड़ाई भी की तैयारियां भी हो गई हैं। सर्किट हाउस में जो बाकी के विधायक थे उनको एयरपोर्ट की ओर निकाल दिया गया है, 39 विधायक जो हैं उनको एयरपोर्ट ले जाया गया है, वहां से उनको ले जाया जाएगा हैदराबाद, क्योंकि कल एक जो कोशिश की गई थी धुंध के चलते फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो इस मकसद को आज फिर से करने का मकसद, इस प्रयास को आज फिर से करने का मकसद एकमात्र यही है कि जो MLAs हैं उनको सुरक्षित रखना। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद गठबंधन के विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा गया। अभी तक का फितरत भारतीय जनता पार्टी का वो ठीक नहीं रहता है, हम सारे लोग इंटैक्ट हैं, एक जगह उसमें आपत्ति क्या है। भाजपा का दो प्लान था, एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए, दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करे। हम लोग जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के बीच, तब तक आप लोग सरकार बनने की खुशी मनाएं। गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद भेजने का मकसद केवल उन्हें टूट से बचाना है। दरअसल सरकार बचाने के अलावा भी अभी चंपई सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं जिसे उन्हें पार पाना है। उनमें से एक है मंत्रिमंडल का गठन करना। दावा किया जा रहा है कि गठबंधन में संतुलन साधने के लिए सरकार में 2 डिप्टी CM हो सकते हैं। इधर झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच आज झारखंड बीजेपी के विधायक दल की भी एक बैठक रांची में बुलाई गई, जिसमें झारखंड बीजेपी प्रभारी समेत राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेता शरीक हुए। बीजेपी नेताओं के मुताबिक पूरे सियासी घटनाक्रम पर उनकी नजर है। झारखंड में चल रहे सियासी घटनाक्रम से जाहिर है कि चंपई सरकार का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन खेल अभी भी बाकी है। रांची से सत्यजीत कुमार और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में संख्या बल सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन JMM कैंप में चंपई सोरेन के नाम पर पूरी सहमति नहीं है। ऐसे में गठबंधन के अंदर का मतभेद उनके लिए शर्मिंदगी की वजह ना साबित हो, इसके लिए गठबंधन के नेताओं की तरफ से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही गठबंधन के विधायकों को हैदराबाद क्यों भेजा गया? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अभी बड़ी परीक्षा से उनको गुजरना है और फ्लोर टेस्ट में कामयाब होना है, और यही वजह है कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए जो विधायक हैं उनको एकजुट रखने के लिए तेलंगाना भेजा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि चंपई सोरेन ने आज सबसे पहले जो काम किया वो काम था जो गुरुजी हैं झारखंड राजनीति के शिबू सोरेन, उनसे मुलाकात की। और आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन भी जिस दिन ईडी उनसे सवाल जवाब करने आ रही थी उस दिन उन्होंने भी मुलाकात की थी शिबू सोरेन से। तो ऐसा हो सकता है कि शिबू सोरेन से सलाह करने के बाद ही हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को चुना, और चंपई सोरेन ने भी सलाह ली कि किस तरह से इसे बचाना है। और जो कल जाने वाले थे विधायक खराब मौसम की वजह से नहीं भी जा पाए, लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जबकि पूरी के पूरा राज्य उनके पास वापस आ रहा है, ऐसे में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, कोई टूट फूट ना हो, और यही वजह है कि विधायकों को सुरक्षित राज्य में भेजा गया है। हेमंत सोरेन को आज अदालत से मिले डबल शॉक का सामना करना पड़ा। पहले तो देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी, तो दूसरी तरफ PMLA कोर्ट ने भी हेमंत को 5 दिन की ईडी कस्टडी में सौंप दिया। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला और पांचवा सवाल है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद हेमंत सोरेन के पास क्या विकल्प बचा है? इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कनु शारदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CM की ईडी की ओर से गिरफ्तारी में दखल देने से जुड़ी अर्जी सुनने से साफ इनकार किया। टॉप अदालत ने सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को सूबे के हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी। अदालत के मुताबिक वो भूमि से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका वहीं लेकर जाएं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सोरेन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राजनीति के चलते ही सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई। अदालतें सभी के लिए खुली हैं और सभी के लिए बराबर हैं और उच्च न्यायालय एक संवैधानिक अदालत ही है और उन्हें वही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कर दिया कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और उन्हें हेमंत सोरेन को अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय ही जाना होगा। हेमंत के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी झटके से कम नहीं, तो वहीं हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने भी 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कैंप जेल की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन नाइट स्टे जो है वो जेल कैंपस में ज्यादा सिक्योरिटी होता है वहां पर, तो हमारी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, तो वो उसके सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि हमको जेल कस्टडी में रखा जाए। शाम के समय में दिन भर आपका इंटरोगेशन खत्म हो जाए तो शाम में हमें वहां पहुंचा दें, हमारा यही प्रेयर। पूरे केस के बारे में यही है कि केस झूठा है, ईडी का कोई केस पीएमएलए का कोई केस नहीं बन रहा है और अरेस्ट बिल्कुल ही लीगल है। एक तरफ जहां बीजेपी हेमंत सोरेन पर हो रही कार्रवाई को सही बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने हेमंत पर हो रही कार्रवाई को नाजायज ठहराया। हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन जी का केवल दोष यह है कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया, इसलिए एक आदिवासी निर्वाचित मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है इधर की गतिविधियों में। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों के सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के अंदर लूट मचाई और इस तरह के घटनाएं सामने आई जिसमें जमीन के घोटाले, खनन के घोटाले, निजी लीज, निजी पट्टा। फिलहाल अब देखना होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से ईडी 5 दिन की रिमांड पर क्या क्या जानकारी हासिल कर पाती है। दिल्ली से कनु सरदा और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में सरकार गठन में हुई देरी और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मामला आज संसद पहुंच गया। आज इस मामले को संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया और विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा से इस मुद्दे पर वॉकआउट भी किया, जबकि सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि विपक्ष भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी रहती है। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा 6वां सवाल है और हमारा सवाल है कि झारखंड की लड़ाई पर संसद में क्या हुआ। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में सरकार की विपक्ष की आवाज। 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उन मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में, कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। ईडी के एक्शन में पहले हेमंत सोरेन हुए गिरफ्तार और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ईडी के एक्शन से इंडिया गठबंधन में क्यों है टेंशन, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुना। विपक्षी इंडिया गठबंधन की चुनौतियां वैसे भी खत्म नहीं हो रही हैं। अब तक ना तो सीटों का बंटवारा हुआ है और पहले ही कई साथी मैदान छोड़ करके जा चुके हैं। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में यह घोषणा की है कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं बिहार में तो नीतीश ने पलटी मार दी और बीजेपी के साथ जाकर सरकार तक बना लिया। अब ऐसी स्थिति में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कस चुका है और बारी अब अरविंद केजरीवाल की है। ऐसे में बड़े नेताओं की कमी क्या इंडिया ब्लॉक को और कमजोर करेगी और नतीजतन क्या बीजेपी को इससे और ताकत मिलेगी? ये सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि बीजेपी
चाहती है कि कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में जो अंतर विरोध है उसकी वजह से वहां पर कमजोरी और ज्यादा बढ़े। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।